नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी को डी फोर डी एम आर में। देखिए, पूजा पांडे एक गाना गाई, उसको अच्छा लगा या जिस भी वजह से वो गाई, जो भी वो उसका गाने का गाई, गाना तो गा ली, फेमस हो गई, हिट हो गई, सब कोई जान गया। अब बताइए, इस वजह से उसकी मम्मी माफी मांग रही थी। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें उसकी मम्मी माफी मांग रही है। यार, तुम्हारा वो कर्तव्य क्या जिसे तुम्हारे पेरेंट्स को माफी मांगना पड़े? खुद को फेमस के लिए पेरेंट्स माफी मांगेंगे? अरे गजब बात है यार। कुछ ऐसा करो ना कि पेरेंट्स को आप पे नाज हो, नाज। और मतलब उनकी मम्मी जो है वो आके मतलब वीडियो पे माफी मांग रही है। अब आप समझिए ना यार, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गार्जियन हमसे हमारे लिए माफी मांगेगा किसी और से? माफी मांगने का नौबत इसलिए आया कि कहीं ना कहीं गलत हुआ है। अगर गलत नहीं हुआ होता तो माफी मांगने की नौबत नहीं आती। समझ रहे इस बातों को? क्या यार, अगर देखो माफी मांगना ही होता तो गार्जियन गलती कर नहीं लेते? वो क्यों नहीं कर लिया? ये सब कर सकते थे वो भी। उन्होंने सोचा समझा कि क्या करना चाहिए हमको, ऐसे नहीं रहना चाहिए। आज पूजा पांडे फेमस हो गई भाई, सब कोई जान रहा है, हम भी जान गए कि पूजा पांडे। उस टाइम में तो हमको भी पता नहीं था पूजा पांडे कौन है, आपको भी पता नहीं होगा कि पूजा पांडे कौन है। एक मनीष भैया पे गाना गा दी, गाना गाने का नतीजा हुआ कि वो तो फेमस हो गई। मतलब जो हिसाब हिसाब किताब मनीष भैया का था उसमें थोड़ा सा मतलब उनके नाम पे फेमस हो गई, तो नाम पे फेमस हो गए, लेकिन इसके गाने की वजह से चाहे जो भी हो उनकी मम्मी को बुरा लगा। अब बुरा लगा तब तो आके माफी मांगी ना। अब इतना माफी मांग ली, मतलब उनका सोच कितना अच्छा है कि वो माफी मांग ली। लेकिन ये पूजा पांडे क्या है, कभी ये वीडियो, कभी वो वीडियो, कभी वो वीडियो, कोई कुछ और बना रहा, कोई उसका थंबनेल कुछ और यूज कर रहा है, इसका कुछ और यूज कर रहा है। यार ये कौन सा बात है? आप लोग खुद को क्या मतलब समझते क्या है? गजब बात है यार। अगर हम इतना बड़ा हुए ना, गार्जियन का देन है कि मतलब अच्छे से परवरिश कर दिए। अब परवरिश कर देने का ये तो मतलब नहीं कि हमारी गलतियों के लिए वो माफी मांगते रहे। नहीं भाई, उस स्थिति में आप न लाइए जहां अपनी वजह से अपनी गार्जियन को किसी और से माफी मांगनी पड़े। भाई पेरेंट्स पेरेंट्स होता है, बच्चों के अच्छाई के लिए मतलब उनके भविष्य के लिए तो माफी मांग ली, ठीक है। मनीष भी अच्छे हैं, ऐसे जो भी हैं माफ कर दिए, अलग बात है। लेकिन आप सोच के देखिए यार, एक सेंस अपना कहाँ है कि हमारी वजह से हमारे माता पिता, जिनको हम पे गर्व होना चाहिए, वो किसी और से माफी मांग रहे हैं आज? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ठीक बात नहीं है। चलिए, धन्यवाद।